सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारा चैप्टर है इसका मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है, इसको समझाया है, ईच एंड एवरी थिंग इसकी मैंने क्लियर की है, जिसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये चैप्टर के जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारे एग्जाम में वन मार्कर क्वेश्चंस आते हैं या फिर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती है रीजनिंग बेस्ड, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई में बहुत बार रिपीट भी हुए हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ बॉडी बी सेट टू बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। क्वेश्चन ये कहता है कि क्या कोई भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और मोशन में दोनों सेम एक साथ हो सकता है या नहीं हो सकता है सेम टाइम पर। सो आंसर यस होगा, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब होता है जो डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे। टर्म्स हमारे पास दो टाइप्स में होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव टर्म। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स हम पढ़ते हैं तो इट मीन्स कि जो इंडिपेंडेंट होती है, और रिलेटिव टर्म्स है तो मीन्स कि वो डिपेंडेंट टर्म्स है। नाउ अ बॉडी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन बॉडी मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अब ये जो लाइन्स लिखी हुई है ना, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो पैसेंजर्स हैं और मूविंग बस में वो बैठे हुए हैं। अगर वो पैसेंजर्स दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो दोनों रेस्ट पे हैं, क्योंकि मूवमेंट जो हो रही है वो बस में है, मोशन में जो है वो बस है, ना कि वो दोनों पैसेंजर्स। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है कि दोनों के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के अकॉर्डिंग वो दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर कोई भी रोड साइड पे खड़े होके उन दोनों पैसेंजर्स को देखता है तो उनके अकॉर्डिंग वो मोशन में, क्योंकि वो पर्सन रेस्ट पे है। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है एज वेल एज इन मोशन, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट डज स्पीडोमीटर ऑफ अ कार इंडिकेट्स। जो कार का स्पीडोमीटर होता है, स्पीड जहाँ पे मेजर दिखाई जाती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो इट इंडिकेट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, इनकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, इनको नोट करिएगा और लर्न करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी नेगेटिव क्यों नहीं होती है? सो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर हम स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स। कोई भी चीज़ रेस्ट पे है और मोशन में है, तो क्या ये दोनों टर्म्स एब्सोल्यूट टर्म्स हैं या फिर रिलेटिव टर्म्स हैं? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब करवाया था मैंने ये चीज़ समझाई कि एब्सोल्यूट टर्म्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, एंड जो रिलेटिव टर्म्स होती हैं वो डिपेंडेंट टर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज़ पढ़ी है एग्जाम्पल के साथ कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, क्योंकि किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ रेस्ट पे हो सकती है और अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से सेम थिंग आपकी मोशन में भी हो सकती है। सो आंसर विल बी बोथ रेस्ट एंड मोशंस आर सॉरी बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी कुछ अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, कैन द डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, गिव रीजन। जो
क्या वो डिस्टेंस से ग्रेटर देन हो सकती है, इसका रीजन देना है। तो इससे पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले चीज है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो डायरेक्शन के साथ में चेंज हो जाता है, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है। इसमें आपका डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके फाइनल पॉइंट तक, डेस्टिनेशन तक आप पहुंचे, उस पूरे कंप्लीट को आप डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो आप देखिए इसका आंसर इज नो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ईदर बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो इक्वल टू हो सकती है या फिर कम हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर देन नहीं हो सकती है। रीजन दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये जो पॉइंट्स है आपको यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशन है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट वन इज, वाइल डिस्टेंस ट्रेवल इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग। कोई भी बॉडी है उसमें अगर जीरो वेलोसिटी है तो भी क्या वो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। अब जब वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और एक्सेलरेशन जो होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो दोनों में चेंजेस हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या जो वेलोसिटी है अगर वो जीरो है तो स्टिल बॉडी एक्सेलरेट करेगी या नहीं करेगी। तो आंसर है येस। अब इसमें आपको सिचुएशन भी दे रखी है, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी भी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो किया जाता है, मीन्स कि ऊपर की साइड उसे फेंका जाता है विद द जीरो वेलोसिटी, क्योंकि उसमें जीरो वेलोसिटी उस टाइम पे, तो एक हाईएस्ट पॉइंट पर, बट उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। मीन्स कि एक पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट एक्सेलरेशन नहीं हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवन व्हेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड द फ्रंट स्क्रीन ऑफ अ मूविंग कार गेट्स वेट व्हाइल द बैक स्क्रीन रिमेन्स ड्राई। व्हाई? क्वेश्चन है कि जब कभी भी बारिश हो रही होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कार है अगर वो मूव कर रही है, मीन्स कि मोशन में है कार, तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या आती है, जो कार की फ्रंट स्क्रीन होती है वो पूरी तरीके से वेट हो जाती है, लेकिन जो उसकी बैक स्क्रीन होती है वो ड्राई रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, मतलब दो तरीके हैं इसके आंसर देने के। आप दोनों में से कोई भी लर्न कर सकते हैं जिसकी वर्डिंग आपको ईजी लगे, और चाहें तो आप दोनों कर सकते हैं। आंसर है, द रेन स्ट्राइक्स कार इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। या फिर ये इसलिए होता है बिकॉज द रेन स्ट्राइक द कार इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द कार। दोनों पॉइंट्स में से आपको जो भी इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द पोजिशन टाइम ग्राफ हैव अ नेगेटिव स्लोप। जो पोजिशन टाइम ग्राफ होता है क्या उसमें नेगेटिव स्लोप होता है? अब कोई भी ग्राफ है उसमें या तो पॉजिटिव स्लोप है या फिर नेगेटिव स्लोप है। अब ये चीज डिपेंड करती है कि जो आपका ग्राफ ड्रॉ है वो कौन से एक्सिस पे है और किस तरीके से ड्रॉ है। हमारे ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, जिसमें से दो नेगेटिव होते हैं और दो पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर है येस, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसका जो स्लोप होगा, जो पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इसको एक बार ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ शो है, देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें जो ग्राफ है वो नीचे की साइड आ रहा है, इट मींस कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे शो क्या हो रहा है, द ग्राफ गोज ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स इंडिकेटिंग द स्लो रेट ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है दो ऑब्जेक्ट्स का जिनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है ग्राफ बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल ही जाते हैं, तो इनको प्लीज़ अच्छे से करिएगा। इस चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे ग्राफ हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी ग्राफ। नाउ
ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का आपको पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ए और बी हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, इन्हें ड्रॉ किया। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल है। एज द रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, द टू बॉडीज ए एंड बी हैव इक्वल वेलोसिटीज, इनमें इक्वल वेलोसिटी है पोजीशन टाइम ग्राफ में, आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे ड्रॉ होंगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन हैव जीरो स्पीड एंड अ नॉन जीरो वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल जो कि वन डायमेंशन में मीन्स कि 1D में हो, उस टाइम पे उसकी स्पीड जीरो और जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड और वेलोसिटी है दोनों की, सबसे पहले तो SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अब जो ये दोनों टर्म्स हैं, इसमें बोला हुआ है कि क्या एक जो स्पीड है वो जीरो हो और जो वेलोसिटी हो वो नॉन जीरो, क्या ये पॉसिबल है वन डायमेंशन में? तो आंसर है नो, इफ द स्पीड इज जीरो द वेलोसिटी विल बी नेसेसरली जीरो। तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक कीजिए, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लगता है। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।